पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। वॉर मेमोरियल को लेके, अमर जवान ज्योति को लेके, उसको उसको पहले ही कहा गया कि भाई वहां से शिफ्ट किया जाएगा वॉर मेमोरियल में। बाद में सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं सफाई आई कि उस ज्योति को वहीं रखा जाएगा, ज्योति को नहीं हटाया जा रहा, बस वहां से हटके प्रज्वलित करके उसको वहां वॉर मेमोरियल पर करा जा रहा है और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां पर लगाई जाएगी। लेकिन उस पर राजनीतिक भी वो बात हो गई, विपक्ष के भी नेताओं ने उसको आड़े हाथों लिया। क्या लगता है कि मैम इस इशू के ऊपर जो है ये एक पॉलिटिकल इशू क्यों बन गया और सरकार की मंशा आपको कहां लगती है इसके पीछे? देखिए, सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आती। जब किसान त्रस्त है, गन्ना का इतना बकाया है, उसका दुगना आप खर्च कर रहे हो उसी पार्लियामेंट के सुंदरीकरण को जो 70 साल से बिल्कुल सही है, तो मुझे तो इनकी मंशा समझ में ही नहीं आती कि आप खर्चे इस तरह के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज हैं, वो 16,000 करोड़ के हैं, और आप किसानों का बकाया नहीं दे पा रहे हैं और उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इनको इन चीजों को मुद्दा बनाना, अब ये क्यों अमर जवान ज्योति को इतने सालों बाद बुझा कर कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल, मेरे तो समझ से बाहर है। और हमारी जो एक परंपरा है जो इतने सालों के लिए रही है कि वो ज्योति कभी नहीं बुझेगी, उसका तो सम्मान करना चाहिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।